हेलो, वेलकम बैक। चलिए चलिए चलिए, हम फिनाले डे पे आ चुके हैं। वीडियो स्किप मत करना, अभी सस्पेंस खुलने वाला है कि एक्चुअली में हुआ क्या था। फिनाले वाले दिन वहाँ पे ब्लास्ट हुआ था। अब आपको लग रहा होगा ब्लास्ट कैसा, ब्लास्ट ऐसा वैसा कोई ब्लास्ट नहीं हुआ था। इट वॉज लाइक एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। आई टेल यू, फिनाले वाले दिन हमको सुबह बुला दिया गया 6 बजे कि अपने अपने सूटकेस लेके आप लोग आ जाइए। हम लोग अपने सूटकेस लेके सबके सब वहाँ पे चले गए। मेरे इन लॉ सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे फिनाले देखने के लिए, बिकॉज उनकी बहू रैंप वॉक कर रही है। इन लोगों ने 2500 और 1500 ऐसा कुछ था, इन्होंने एक जने का टिकट लिया। मेरी बेटी उस टाइम 2 ईयर्स अंडर थी, लेकिन उसका टिकट भी लिया। तो मैंने मेरी मदर इन लॉ का टिकट लिया, मैंने मेरी बेटी का टिकट लिया, मैंने मेरे फादर इन लॉ का टिकट लिया। अब आप सोचिए, यहाँ से जो पार्क होटल है, इट वुड बी अराउंड आई थिंक 25 किलोमीटर्स जहाँ हम रहते हैं जिस एरिए में। और यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ट्रैफिक होता है, इतना ट्रैफिक होता है कि 2-2 घंटे आपके ट्रैफिक में निकल जाते हैं। चलिए, रात को 8 बजे फिनाले था, हम लोग चले गए। जब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ वीडियो स्किप मत करना, इतना इंटरेस्टिंग है। और ऐसा है कि मेरे ख्याल से जो जिसके अंदर दिल होगा ना, जिसके अंदर थोड़ा सा दिल होगा और जिसको लगेगा मैं क्या कह रही हूँ, उसकी आँखें थोड़ी नम होंगी। हम 30 ईयर ओल्ड, 35, 40, 45, 50, 55 के साथ इन लोगों ने क्या किया, अब आप सुनिए, ठीक है। और यहाँ एंड नहीं है, मैं आपको और भी बताऊंगी इसके बाद पोस्ट फिनाले क्या हुआ था। दिस इज द फिनाले डे। हम पहुँच गए अपना अपना सामान लेके, हमें अपने वहाँ पे सब कुछ दे दिया गया कि आप इस सेक्शन में रह लीजिए। आपको पता है वहाँ पे ऐसे डिवाइड हुआ था कि जो विनर और रनर अप है उनको बिल्कुल अलग कर दिया गया था हम लोगों से। कैन यू इमेजिन, हम लोगों से उनको बिल्कुल अलग कर दिया गया था। उनको बोला गया था कि किसी से भी बात नहीं करना है आपको। वो किसी से बात नहीं कर रही थी, लड़कियाँ जो ऑलरेडी सिलेक्टेड थी वो अलग ही चहक रही थी, अपना उनका अलग ही सीन था। हाँ, इसके बीच में मैं एक चीज़ और शेयर करूंगी आपके साथ, एक कोरियोग्राफर का भी सीन है यहाँ पे। कोरियोग्राफी है, ग्राफर है, उसका नाम मैं आपको बताऊंगी। सॉरी, ये पॉइंट मैं भूल गई हूँ, मैं लिख लेती हूँ, ये पॉइंट भी मैं आपको मैंशन करूँगी, ठीक है। कोरियोग्राफर, इसका भी मैं आप इसके बाद फिनाले के बाद ऐड करती हूँ, मैं बताती हूँ। उसकी भी कोई स्टोरी है जो हमको बाद में पता चली थी। एनीवेज, उसका नाम मैं ले सकती हूँ, श्रुति है उसका नाम। एनीवे, आगे मैं आपको बताऊंगी। तो ये सब चल रहा था और इन लोगों ने क्या किया था कि लोगों ने बहुत एक्सपेंसिव गाउन खरीदे थे। लोगों ने कम से कम मेरे ख्याल से 1.5 लाख 2 लाख करीब का खर्चा लोगों ने कर दिया था। इन लोगों ने सेशन डिवाइड कर दिए थे। अब आप ये सोचिए, जो मेकअप आर्टिस्ट थी उसका नाम भी मैं ले सकती हूँ ईजिली, बट मुझे लेना नहीं है, वो भी है। वो उसको भी बताया गया था कि इन ये लोग जो हैं, ये 12 लोगों का अलग मेकअप करना है और जो 30 लोग हैं उनका अलग मेकअप करना है। ये सब वेरी, इट वॉज वेरी ऑब्वियस, वेरी वेरी ऑब्वियस। एक लड़की वहाँ से आ गई थी वाइल्ड कार्ड एंट्री बोल के, केरला से बोल के, उस लड़की को रेबेका करके एक लड़की है, उसको बुला लिया गया। ये 2018 की बात कर रही हूँ मैं, तो उस लड़की को बुला लिया गया था। उसने वाइट साड़ी पहनी थी और कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं। और आप फोटो उठा के देख लीजिए इंटरनेट में, और हमारे पास पिक्चर्स हैं, मेरे पास पिक्चर्स हैं कि उसने पहना क्या था, व्हाट शी वॉज वेयरिंग। आई थिंक शी इज़ अ मॉडल, आई डोंट नो। वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई उसकी, हमारे सामने पूछ रहे हैं कि विल यू पे 40,000 टू बी यू नो इन टॉप 3। हमारे सामने हो रही है ये बात, सुनाई दे रहा है हमको। ये ओनर, यहाँ की ओनर, आई मीन ऑर्गेनाइजर, इनकी बातें हो रही है। अब वो सबूत कहाँ से लाऊँ मैं आपके लिए कि मैं रिकॉर्ड करती हूँ वहाँ पे फ़ोन ऑन करके, क्योंकि उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया था, नथिंग वॉज अलाउड, सब बंद कर दिया था इन्होंने। तो ये चीज़ें चल रही थी, हमारा हम बहुत डिसअपॉइंट हो गए थे। हम सब लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये क्या हो रहा है, हम बेकार ही आए हैं। और एक बात आपको पता है, इन्होंने लॉक कर दिया हम लोगों को, हम वॉशरूम नहीं जा सकते थे। अगर हमको वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम के लिए ये क्या करा कि आप किसी के साथ जाओ, आप खुद से वॉशरूम नहीं जा सकते। कैन यू इमेजिन, एक कोई बच्चे को भी नहीं बोलेगा कोई कि वॉशरूम आप किसी के साथ जाओ, एंड यू आर नॉट अलाउड टू गो। एंड वन मोर थिंग, पहला जब ग्रूमिंग से पहले की, सॉरी फर्स्ट राउंड से पहले की बात है, ये 3 राउंड 2 राउंड थे, ट्रेडिशनल राउंड था और एक वेस्टर्न राउंड था। आपको पता है क्या किया इन्होंने, 8 o'clock का टाइम है, इनके जितने भी गेस्ट आए थे, पहले तो इन्होंने कोई इवेंट शुरू नहीं करा, 8 o'clock को ये सब इन लोगों ने हमें मेन डोर में लॉक करा। हम सबके सब अंदर बैठे थे, बाहर जाके डिनर किया है इन लोगों ने 9:30 तक, अच्छे से सबने डिनर करा, अपने गेस्ट को डिनर कराया, अपने जिन लोगों को इन्वाइट कराया था उनको डिनर कराया, जजेस को डिनर कराया, कुछ मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री के लोग थे उनको डिनर कराया, और हमको पानी भी नहीं। हम लोग सुबह 6 बजे के वहाँ पे बैठे हुए थे, और जब हम लंच कर रहे थे दिन में, तो हमको बोला गया कम खाओ, क्यों, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। यही बात ग्रूमिंग वाले दिन भी बोली थी और यही बात आज भी बोली। तो शी वॉज द, यहाँ की ऑर्गेनाइजर हमको घूम घूम के देख रही थी हम कितना खा रहे हैं, हाउ मच लंच वी वर हैविंग, और जो ज़्यादा खा रहा है उसको बोला कि कम करो अपना खाना। कैन यू इमेजिन, अब इन सब के सबूत कहाँ से लाऊँ मैं आपके लिए। आपको लगता है बींग फ्रॉम अ डिफेंस फैमिली और फ्लाइंग फॉर मैनी ईयर्स, मैंने आपके पिछले वीडियो में आपको दिखा बताया कि मेरी सैलरी 3 लाख हुआ करती थी महीने की, कतर एयरवेज इंटरनेशनल कैबिन सर्विसेज डायरेक्टर आई एम टॉकिंग अबाउट, वो पोजीशन
ली है मैंने, दैट इज माई पोजिशन, आई विल लाइव फॉर जस्ट 24-5 thousand. ये मेरी फ्रस्ट्रेशन है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ. हमें इस तरीके से ट्रीट किया गया, कोई हमसे बात करने के लिए नहीं था. मेरा बीपी थोड़ा लो हुआ तब वहाँ जो वॉलेंटरी होते हैं बच्चे, वो एक कुकी लेकर आए. इन्होंने हमें खाना ही नहीं दिया, डिनर ही नहीं दिया. बस फिर हम फिनाले के लिए गए, वहाँ सबका मूड, सबको पता था क्या होने वाला है, वहाँ पे कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ जजमेंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है. फिर हम लोग ऑफकोर्स फिनाले में जो उसके बाद ड्रामा हुआ वो तो मुझे पता है, बट इमेजिन ये हमारे साथ इन्होंने फिनाले वाले दिन किया. और जब मैं 11, आप सोचिए 11:30 मेरे, मुझे पता चला, मेरी मदर इन लॉ का फ़ोन आया कि हम लोग बाहर हैं. माई बेबी, माई डॉटर, शी प्यूब्ड थ्रू आउट. बेचारी को लेकर वो मेरे ससुर, सास ससुर जी यहाँ तक आए हैं, 50+, 55+, यहाँ उतनी दूर तक आए सिर्फ मेरा शो देखने के लिए. आपको पता है मैंने क्या किया, जब फिनाले हो गया था इन लोगों ने अनाउंस कर दिए थे क्विकली कौन है. और एक चीज़ और बताऊंगी मैं आपको, जितने लोग फर्स्ट रनर अप थे जिस जिस कैटेगरी में, सबने सेम ड्रेस पहना था. मिसेज वालों ने ग्रीन पहना था, मिसेज क्लासिक वालों ने ग्रे पहना था, और उसके दूसरे वालों ने थोड़ा सा सिमिलैरिटी पहनी थी. आप ये सोचिए कैसे हो सकता है, इतना कोइंसिडेंस हो सकता है कि आपके जो रनर अप हैं, जो आपके 12 लोग हैं, उन्होंने सिमिलर ग्रुप वाले कलर्स पहने हैं, क्योंकि आप लोगों ने उनको पहले दे दिया है. यू हैव ऑलरेडी टोल्ड देम दैट यू आर रनर अप और यू आर नॉट. आप लोगों ने पहले पैसे ले लिए हैं. और जो फर्स्ट रनर अप बनी थी, सेकेंड रनर अप बनी थी, उसकी मम्मी ने स्पॉन्सर किया था ये थोड़ा शो. और वो जो लड़की आई थी, जो मैंने आपको बताया रेबेका करके, व्हाइट साड़ी पहनी थी, शी वॉज द थर्ड रनर अप. कैसे, हाउ? अरे हम लोग बेवकूफ है क्या, ये सब चल रहा है. तो प्लीज गाइज, जस्ट बी केयरफुल. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अप्लाई मत कीजिए, लेकिन प्लीज पहले ही सारी बातें क्लियर कीजिए. मैं खुद एक ऑर्गेनाइज करती हूँ शो, मैं खुद ब्यूटी पेजेंट का हिस्सा हूँ, और मैं ये बात आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मुझे कैंडिडेट चाहिए मेरे लिए या मेरे इवेंट के लिए. मैं आपको मेरी जर्नी शेयर कर रही हूँ, जो कि मेरा चैनल का नाम है, दिस इज द सुचिताज डायरी. तो जब मैं डायरी बोल रही हूँ तो उसमें सब कुछ लिखना है, ठीक है. तो मैं आपसे दो टॉपिक नेक्स्ट शेयर करूंगी, एक तो कोरियोग्राफर का टॉपिक शेयर करूंगी, और मैं आपसे पोस्ट इवेंट शेयर करूंगी. टिल देन स्टे कनेक्टेड. बाय द वे, मैं अपने इन लॉस को लेके, मेरी बच्ची ने जो वॉमिटिंग की थी, तुरंत वो लोग गाड़ी से उतरे थे, मैंने उनको पास वहीं पे फाड़े, जितने भी पास थे, 3,000-4,000 आई पेड. आई वाज लाइक कीप योर पासेस विद यू. अभी तक हम लोगों ने डिनर नहीं किया था. मैं चली गई बैग लेके अपना, सीधे गाड़ी में बैठ के हम लोग, वो बेचारे 2 घंटे ट्रैफिक में आए थे वहां मेरा शो देखने के लिए, 2 घंटे में वापस हम गए. मैंने घर में जाके मैगी खाई, मैगी इज ऑल टाइम फेवरेट. अब सोच सकते हैं ये सब हुआ है. अब ये सब होने के बाद आप मुझे बताइए आप क्या करोगे. प्लीज़ जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है ना, मुझे कमेंट कीजिए. आई नो आप में से कुछ लोग कमेंट करोगे कि हम लोग बेवकूफ़ हैं. हाँ थे हम बेवकूफ़, हमको पता नहीं था ना, तभी तो मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. देखिए कोरोना काल चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, फाइनेंशियली बहुत सारे लोग हैं जो बहुत वीक हो चुके हैं हम लोग. और अब जैसे तैसे कुछ लोग ऐसे हैं, चलो भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है, यू नो विद गॉड ग्रेस वी हैव एवरीथिंग, एंड वी आर ईटिंग, वी हैव प्लेस टू स्लीप, एंड वी डोंट हैव टू वरी फॉर टुमारो एटलीस्ट. लेकिन ये बहुत सारे लोग हैं जिनके पास है, हो सकता है उनके भी FDs हो, उनके भी बैंक में पैसे हो, कुछ हो, लेकिन ऑब्वियसली इंसान अपना, अभी हम उस स्थिति में आ चुके हैं कि हम अपने 2-3 साल को आगे लेके सोच रहे हैं. तो प्लीज़ पैसा बचाओ अपना. 2021 का फिर से तेलंगाना में आ रहा है. मैं कुछ नहीं कह रही हूँ आपसे, इट इज़ ऑल अप टू यू. आप क्या है, आपको मुझसे पूछना है आप पूछिए. मुझे पता है हो सकता है ये ऑर्गेनाइजर मुझे अप्रोच भी करे, कर लीजिए, दे नो इट वेरी वेल व्हाट दे हैव डन. चलिए मैं ज़्यादा इस चीज़ को आगे और नहीं ले जाना चाहती. मैं 2 टॉपिक और हैं उनको शेयर करूँगी आप लोगों के साथ. टिल देन बाय बाय. शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल. बाय बाय.